नाम क्या है शुभम गौर हमारे चैनल के बारे में सुना है बहुत सुना है नाम क्या है शुभम गौर <laughs> इस वक्त हम आई आईएमटी गाजियाबाद में जहाँ पर लीग ऑफ टाइटन जो है एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल है वो लॉन्च होने वाला है और शुभम गौर जो है उस इवेंट में आए हुए हैं तो शुभम कैसा लग रहा है इस इवेंट में आकर सबसे पहले आप ही बताओ बताऊँ को हमेशा अच्छा लगता है जब भी मैं कॉलेज आता हूँ और यंग ऑडियंस के अराउंड जब भी जाता हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे अपनी ऑडियंस से मिल वर्ल्ड कप में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रील्स हो चाहे आप खुद मैं खुद भी मैचेस देखने जाते हो अभी आपकी एक रील मैंने देखी थी जिसमें आप एल राहुल जो है आपकी टी शर्ट पे बाकायदा प्रॉपर साइन कर रहे थे वो जो मूवमेंट आप जी के आए हो ना बहुत सारे लोग को जलन हुई है देख के लिटरली लोग जले हैं वो देख के बराबरी करो <laughs> बराबरी करो सुना मैं मैं खुद उस इंग्लैंड वाले मुकाबले में था हालांकि मुझे टिकट नहीं मिले थे बड़ी वो अलग स्टोरी है तो उस इवेंट के बारे में बताओ आप कैसा कैसा था वो क्या क्या फीलिंग थी वो नहीं एक्चुअली क्योंकि मैं लखनऊ आई टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो लखनऊ में मैच था तो मुझे मिला वहाँ पर मैच देखने का चांस और क्योंकि मैंने के एल के साथ है इन पी एल तो मतलब मैं आई कंसिडर हिम आई फ्रेंड आई डोंट नो वट ही कंसिडर्स अर नॉट तो मैं वहाँ था मैच के बाद एंड आई टेक्सट हिम की लाइक कैन वी मीट कपल ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो वॉन्ट टू मीट यू एंड वेरी जेनरस ऑफ हिम कि वो उन्होंने टाइम दिया और पूरा अपना इंश्योर किया कि क्योंकि बहुत हेवी सिक्योरिटी है अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो वो एक्सेस पूरा हमें दिलाया उन्होंने एंड मतलब उसके लिए बहुत इजी था उनके लिए कि सिंपल बोल देते कि यार अभी मैं थक के आया हूँ मैच खेला है वोटे वो कुछ भी बहाना मारते और हम मान लेते कि हाँ ठीक है यार अभी पंडा वर्ल्ड कप खेल रहा है और सब कुछ है बट वेरी काइंड ऑफ हिम ही टुक हिस टाइम आउट मिले मेरे दोस्तों से और बहुत फनी इंसिडेंट था कि हमने प्लान किया कि हम ऐसे ऑटोग्राफ लेंगे लेकिन हमारे पास पेन नहीं था हाँ। तो हमने ब्लिंकिट किया लास्ट मोमेंट पर और सेम टाइम पर डिलीवरी के बॉय आया और सेम टाइम पर ऐसे केल का फ़ोन आया कि आ जाओ अभी ये बंदा आ रहा है पुलिस वाला लेने और इसके साथ में आ जाओ तो अब हम कन्फ्यूज कि यार पेन ले ही जाएँ या खड़ा है पुलिस वाला तो चले ही जाएँ इसके साथ तो फिर मैंने कहा ठीक है पेन छोड़ते हैं चले जाते हैं और वहाँ जाके फिर मैंने उनको बोल दिया कि हम तो ऐसे साइन भी चाहिए था बट पेन नहीं लो तो पेन चाहिए सो so, वो वो हमारी टीम के एक थ्रो डाउन वाले हैं वो साथ में खड़े थे उनको बोला कि पेन चाहिए इनको सो ही हैड अ पेन ऑल्सो इन इज पॉकेट ही टुक एट आउट एंड देन फिर वो पूरा हुआ बहुत क्यूट वीडियो थी मैंने खुद देखी थी मैं बाहर था स्टेडियम के हालांकि अच्छा वर्ल्ड कप का जो सीज़न चल रहा है एक खिलाड़ी जिस पर आपकी परमानेंट नज़र रही है रोहित शर्मा मैं बहुत वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैं अपने दोस्तों से बात करता था तो मैं ये बोलता था कि जो एशिया कप से जिससे पूरा रिवाइवल हमने अपनी टीम का देखा कि वहीं से समझ में आ गया था कि यार रोहित शर्मा इस डेस्टाइंड टू लिफ्ट दिस ट्रॉफी और वो होगा मतलब तो मैं आई एम रूटिंग फॉर मतलब पूरी टीम के लिए बट रोहित शर्मा ऊपर से जो स्टार्ट दे के जा रहे हैं जिस तरह की वो टोन सेट टोन जो सेट कर जाते हैं अग्रेसिव पूरा माहौल बन जाता है तो आई एम रूटिंग फॉर रोहित शर्मा इंडियन टाइटल टीम इंडिया की जो इमेज थी वो एशिया कप से पहले बहुत अलग थी एशिया कप के बाद जो है एक अलग टीम इंडिया निकल के आई है uh, uh, मैं आपको कुछ क्रिकेटर्स के नाम लूँगा आपको उनके बारे में क्या लगता है या कोई एडवाइस है आप कुछ उनको बोलना चाहोगे एडवाइस कुछ भी बोलना चाहो आप सबसे पहले विराट कोहली विराट कोहली तो आई थिंक वो सब तो मैंने एक तो बेस्ट विशेष दूंगा कि वो फिफ्टी सेंचुरी वाला अपना माइलस्टोन अचीव कर लें वर्ल्ड कप में उससे टॉप कुछ नहीं करेगा कि एक बड़े मैच में जो रिकॉर्ड है इतना बड़ा वो उसे अचीव करें और जो भी आ, जैसे भी बीच में ये सब भी कंट्रोवर्सी हुई थी क्या प्लेयर के पर्सनल माइलस्टोन वर्सेस ये तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम में तो अगर कोई कुछ भी पर्सनल माइलस्टोन अचीव करेगा अल्टीमेटली वो कंट्रीब्यूट करेगा टीम के लिए ही सो माई बेस्ट विशेज टू विराट कि वो अपना फिफ्टी सेंचुरी करें एंड उनकी सेंचुरी कभी लूजिंग कॉज में तो आती नहीं है सो आई फील गेट दैट हम दोनों मैच जीत जाएंगे ईजीली जी शाकिबुल हसन अभी बीच में जो उन्होंने किया लेट हो गया मैं दो मिनट पहले बोल सकता था इस पे बट आई थिंक अब मैं लेट हो गया उस पर बोलू मैथ्यू एंजिलो मैथ्यूज ने तो काफी अग्रेशन अच्छा दिखाया है कि शाकिब अब श्रीलंका आएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं तो ये अच्छी बात है बिल्कुल ही दैट ट्रीटमेंट नाइस ईशान किशन उछलते कूदते रहते हैं एकदम ईशान किशन का आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस टीम में जो मतलब ड्रिंक्स वगैरह पे भी जब वो देने आते हैं जो भी वो तो मतलब ये टीम की कोई बॉन्डिंग बहुत अच्छी नजर आ रही है कोई बंदा ऐसे लेफ्ट आउट फील नहीं कर रहा कि जैसे अश्विन को हमने पहले मैच के बाद से नहीं देखा है खेलते हुए बट वो नहीं लग रहा कि कोई बहुत ही क्लोजली निट ये टीम लग रही है और ईशान भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो भी उनके विजुअल्स हमें दिखते हैं उससे ईशान किशन जो अभी उनकी एक फोटो भी वायरल हुई थी विराट कोहली के साथ विराट कोहली खड़े हुए और वो पानी पी रहे हैं काफ़ी ज्यादा है उसको आ, भाई शायद भाई। नहीं चाहिए होगा विराट कोहली वॉच पार्टी आप रखते हैं आप जो जितने भी मैचेस हुए कई सारे मैचेस के आपने रखे हैं कैसे प्लान आया कि इसको करते हैं क्या था वो सब वो यही था कि क्रिकेट देखने का जो फील है वो कम्युनिटी फीलिंग ज़्यादा है कि हम लोग साथ मिलके मैच देखें अकेले मैच देख के मज़ा नहीं आता देख लेते हैं बट अगर मैं कभी घर पे अकेले भी देख रहा होता हूँ तो अपने थॉट्स डाल रहा होता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे कहीं भी कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहा तो वहीं से थाट आया कि यहाँ से तो फिर भी कहीं ना कहीं एक डिजिटली मैं कनेक्ट कर पाता हूँ बट वॉट इफ हम सब साथ में देखें तो स्टेडियम की तो टिकट्स लिमिटेड ही हैं सब लोग नहीं जा सकते सब अफोर्ड भी नहीं कर सकते बट एटलीस्ट हम कुछ शहरों में जाके ऐसा करें कि ये मेरा और तरन का मतलब तरन का आइडिया था कि भाई साथ में हम ऐसा करें ऑडियंस को स्टेडियम Uh, price, उनके ही शहर में. तो बहुत मज़ा आता है लोगों के साथ देखने में। बिल्कुल सही बात है।, इंडिया है वो लिया जाएगा अभी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी रोहित शर्मा की आज ही उन्होंने बोली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनसे पूछा गया था कि आप कुछ इंडिविजुअल्स के बारे में आप अप, अपनी जर्नी के बारे में सोच रहे हो वनखेड़े पे आप यूज टू कम हेयर एज अंग बॉय नाउ यू आर लीडिंग मैच तो उन्होंने लगे मैं कुछ इंडिविजुअल नहीं सोच रहा हूँ अभी जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तब सोचूंगा अभी मुझे सिर्फ एक ही थॉट आ रहा है कि आई एम हेट टू डू अ बिजनेस एंड आई एम टू फिनिश अ जॉब तो अगर कैप्टन का इतना अच्छा माइंड है तो आई एम वेरी होपफुल कैप्टन की एक बाइट भी आई थी कि अगर मैंने एक मैच हार गया तो फिर आई एम आई बी टर्म एज अ बैड कैप्टन तो कैप्टन के ऊपर भी प्रेशर होता है और वो साफ प्रेशर दिखाया है और उन्होंने अच्छे से उस प्रेशर को झेला भी है तो हम भी चाहेंगे कि टीम इंडिया जो है इस मुकाबले को जीते और वर्ल्ड कप हम चाहेंगे कि 2011 के बाद हमारे वर्ल्ड कप आए शुभम बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ पर आने के लिए बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू वेरी मच